प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हिंदुस्तान का एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचेगा जिस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास न हो। के बाद आप लोगों के चेहरे के देखने के बाद बहनों भाइयों मैं समझाऊं, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, 10 वर्षों के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं उनके नेतृत्व में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, अब कालाहांडी के बारे में मैं समझता हूं आगामी 5-8 वर्षों में वह धारणा नहीं रहेगी जो कि पहले हुआ करती थी। और आज मैं अपने आपको यकीन दिलाने आया हूं, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हिंदुस्तान का एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचेगा जिस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास न हो। के बारे में मैं समझता हूं आगामी 5-8 वर्षों में वह धारणा नहीं रहेगी जो कि पहले हुआ करती थी। और आज मैं अपने आपको यकीन दिलाने आया हूं, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हिंदुस्तान का एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचेगा जिस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास न हो। क्योंकि भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो जब तक भारत के हर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक भारत को विकसित भारत बनाने का भी हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो पाएगा। कालाहांडी में मुझे याद है बहुत सारे एनजीओ यहां गरीबी पर्यटन के लिए आते थे और यहां से जाने के बाद अखबारों में लेख लिखते थे, कहते थे कि वहां कितनी गरीबी है, इतनी गरीबी तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी, इस प्रकार के लोग लेख लिखा करते थे यहां से जाने के बाद। आपने इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी रही हूं, चाहे राजीव गांधी जी रहे हूं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हूं, सबने यह दावा किया हमारी सरकार बना दो हम भारत से गरीबी को मिटा देंगे। आपने सारे इन लोगों की सरकार बनाई, 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी की रही है तो कांग्रेस की रही है, लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं हुई है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 8-9 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सारी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं, भारत का नीति आयोग इस बात को कह रहा है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई कभी, उस काम को करने का जो मुहिम प्रारंभ किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसको काफी हद तक उन्होंने पूरा किया। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।